एल्विश ने मेकर्स की पोल खोल दी है और ये पोल भी जो है फुकरा इंसान और मनीषा के सामने खोली है, जो कि बहुत ही अच्छा की है। जो चीज आप, मैं और सब लोग जो है नोटिस कर रहे हैं मनीषा के बारे में, जब से ये पूजा भट्ट बाहर कोई चेकअप के लिए जाके आई है ना, तब से इसके मन में क्या सब चीजें भरी हैं। अचानक ही वो हेट जो इसके फेस पे दिल में देखने के लिए मिला है, सेम बॉडी लैंग्वेज, सेम फेस, सेम बातें सलमान खान करते हुए नजर आए। इस बार तो कुछ ज्यादा ही सलमान खान ने हद ही पार कर दी है मनीषा रानी को नीचा दिखाने के लिए। एल्विश ने यही बात बोली है, जेल हो गई है, एल्विश ने ये बात बोली है कि देख मनीषा, कोई हमारे बारे में मतलब कि कुछ बोलता है, क्या होता है ना, तेरी मेरी लैंग्वेज ऐसी है कि कुछ ना ऐसे निकल जाता है हमसे और सामने वाले को ऑफेंसिव लग जाता है या कुछ ऐसी चीजें होती है, पर हमारा मीन नहीं होता। पर तेरे में ये चीज है कि तुझे सुनना चाहिए, तू सुनती नहीं है, तू आगे से बात करने लग जाती है, वो पूरी कंप्लीट नहीं होने देती। फुकरा इंसान भी बोलता है कि हाँ कंप्लीट मैं यही तो समझा रहा हूं। पर यहां पर एल्विश एक बहुत ही पते की बात करते हैं। एल्विश का कहना यह है कि यार तुमने देखा है कि मनीषा के पीछे 2 हफ्ते से अचानक ही सब लोग पड़ गए हैं, इवन पूजा भट्ट, घर वाले जितने भी लोग हैं, मनीषा अचानक उसके ऊपर पीछे पड़े हुए हैं, इवन सलमान खान तक पड़ गए हैं उसके पीछे। तो ये क्या मतलब कि ऐसा सब चीजें हो रही हैं? तो भाई ये स्ट्रांग हो रही है ये सब चीजें, मैं बोलती हूँ ये स्ट्रांग हो रही है, ये कमजोर नहीं हो रही है। और ये भी एल्विश का भी मानना यही है कि ये स्ट्रांग है, कमजोर नहीं है। और जो स्ट्रांग होता है ना उसी को तोड़ने की कोशिश की जाती है, और जो कमजोर होता है ना वो एक झटके पे टूट जाता है। कमजोर को जो स्ट्रांग है उसको बार 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 चोट लगती है, और जो वो स्ट्रांग रहेगा और कभी नहीं टूटेगा, ये है मनीषा रानी। कितना ज्यादा टारगेट किया यार जा रहा है, मैं तो हैरान हूं यार, मैं तो इतनी ज्यादा हैरान हूं कि एक लड़की को आप इतना ज्यादा तोड़ने की कोशिश कर रही हो। जेल में डाल दिया क्योंकि फुकरा इंसान और जिया को टाइम मिले, और आप फिर दोबारा से अभिया करने लग गए हो, जो कि अभिया खत्म हो चुका है। भाई हद है, हद है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।